राजा। अरे अन्ना क्या होगा, कैसा लग रहा है हमारा अमोल? कैसा लग रहा हूं मैं? मस्त एकदम दूल्हा ना केशव। महेंद्र भाव ने सचमुच में कोई रिश्ता बिश्ता ढूंढ निकाला है कि क्या? अरे महेंद्र भाव ढूंढेंगे तो भी ढूंढेंगे, लेकिन आप सोचिए अन्ना, आपको चलेगी क्या गुजराती बहू? नहीं नहीं अरे उसमें क्या है, हमारी गायत्री भी तो गुजराती है, कितनी अच्छी लड़की है वो, है ना? बरोबर है, उसकी बात अलग है ना। गायत्री इस घर के और आपके संस्कारों के रंग में रंग चुकी है। लेकिन जरा सोचिए, महेंद्र भाऊ अपने अमोल के लिए जो लड़की ढूंढ के लाए, वो अगर उर्मिला वहिनी जैसी निकली तो? अरे तो उसमें क्या होगा, उर्मिला बहन क्या बुरी औरत है क्या? हमारे अमोल को कितना प्यार भी करती है वो। नहीं अन्ना, मैं उर्मिला आंटी के साथ शादी नहीं करूंगा। अरे मेरे अक्कल के जलतरंग जलतरंग, उर्मिला बहन के साथ शादी नहीं करने, उनके जैसी किसी लड़की के साथ, गुजराती लड़की के साथ शादी की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा उनके जैसी तो चलेगी? चलेगी। अरे क्या चलेगी, ये अभी बोल रहा है, लेकिन कल वो लड़की ने अगर खाना बनाया तो दाल में, सब्जी में, उसल में, मिसल में, वड़ी में, कोथमीर वड़ी, बटाटा वड़ा, उसमें अगर शक्कर डाल के सब मीठा मीठा खाना बनाया तो क्या होगा? अरे बाप रे, और फिर कुछ बोलने जाएंगे तो जोयो 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 ऐसा करके झगड़ा करने आ जाएगी वो लड़की। तो फिर, और अभी तो अपना अमोल सिर्फ अपने वाड़े की छत पे जाके हमें धमकी देता है। हाँ। कन्ना में नीचे कूद जाऊंगा, नीचे कूद जाऊंगा। लेकिन सोचिए, कल वो अपनी गुजराती पत्नी से परेशान होके हमारे महादेव पेट के नाके पे, वो नहीं ऊंची वाली पानी की टंकी, उस पे चढ़ के अगर हमें धमकी दी कि अन्ना मैं नीचे कूद जाऊंगा, मुझे सुलक्षणा ही चाहिए, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा, तब क्या करेंगे? ये मस्त आइडिया है, अभी मैं टंकी पे ही चढ़ूंगा, मजा आएगा। अरे नहीं 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 बाड़ा, ऐसे कुछ मत करना। ए कड़ीसा नारद, तू क्या बंदर के हाथ में सीढ़ी दे रहा है? अमोल अभी तू जा इधर से, बच्चे लोग के साथ में खेल। लेकिन अन्ना सुलक्षणा, तू जा, मैंने बोला ना। अन्ना अमोल बाड़ा, तू अंदर जा, तेरी शादी सुलक्षणा के साथ ही होगी। अन्ना है ना? हाँ अन्ना है, बस सुलक्षणा। अन्ना है क्या? अन्ना है, अन्ना है, अन्ना है, जबकि तुझे पता है कि सुलक्षणा का रिश्ता कहीं और हो गया है, तो क्यों बेचारे को झूठी आशा दिला रहा है? क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि अमोल की शादी सुलक्षणा के साथ ही होगी, अगर आपने चाहा तो। अरे मेरे चाहने से क्या होता है, उसका रिश्ता हो चुका है, चंद्रमुखी ने करवा दिया है कहीं और। वो तो सिर्फ रिश्ता हुआ है ना अन्ना, शादी थोड़ी ना हुई है। और आप कितना सम्मान करते हो चंद्रमुखी ताई का, करते हो ना, तो उनका भी फर्ज बनता है ना कि आपकी इच्छा का थोड़ा सा मान रखे। मुझे पक्का यकीन है कि वो रखती अगर आपने थोड़ी सी जिद की होती ना तो। जिद मंजे अगर आपने ऐसा बोला होता ना कि चंद्रमुखी वो पतंगराव पितंगराव का पत्ता कट, मंजे सुलक्षणा का रिश्ता पतंगराव से तोड़ो और सुलक्षणा का रिश्ता मेरे अमोल के साथ जोड़ो, तो मुझे नहीं लगता कि चंद्रमुखी मना करती। किशो, अगर मैंने जिद की होती तो वो मुझे ना भी नहीं बोलती हो ना। फिर खड़े क्या हो अन्ना, फोन करो ना चंद्रमुखी ताई को, बुलाओ, जिद करो, आपका तो हक बनता है। ऐसा क्या मुझे कहा है? ठीक है बरोबर बोलता है तू, मैं फोन करके चंद्रमुखी को बोलता हूँ मिलने को आने को। बाल बिलपुर आए, घंटी बज रही, उठा नहीं रही, वो व्यस्त होगी किसी काम भी में, व्यस्त होगी, नारद बिरद नहीं होगी मुझसे। अभी देखना मेरा मिस कॉल देखेगी ना, सामने से फोन करेगी वो, हमेशा ऐसा करती हूँ, सामने से फोन करती वो। अभी आएगा देखना उसका फोन। अच्छा
अरे वहिनी, क्या हो गया आपको? पूछ मत निर्मिति, इतना जुकाम हो गया है कि मंदिर के पापा भी मेरा आवाज नहीं पहचान पा रहे। अच्छा, मंदिर के पापा का इशारा? ऐसे कैसे? उनका नाम प्रभाकर है ना? हाँ। तो प्रभाकर में से प्रभा का इशारा था। वो अपने पुलगांव वाले बंडू का उनकी बहू प्रभा कथक डांसर ऐसे ही तो करती। अच्छा करती है। अब क्या सोच रही हैं आप? वो सब्जी में प्याज का छोका डालना है कि प्याज काट के ऊपर से डालना है, ये तो पूछा ही नहीं मेरी अन्ना को। मैं अभी पूछ। अच्छा आती हूँ। अरे वहिनी, तब तक सब्जी जल जाएगी। ओगो भाई। हाँ, फोन कर लेती हूँ। बाल बरोबर, वो सब बरोबर है, लेकिन पहले देख लो किसका फोन है। अरे चंद्रमुखी है, खुशबू से पहचान जाता हूँ मैं। हेलो अन्ना। अभी तक अन्ना साहेब बुलाती थी ना, अभी डायरेक्ट अन्ना चोंबड़ी। आज अन्ना? आज अन्ना। वैसे मुझे तुमसे कुछ कहना है। आपको कुछ कहना है? वो केश, केशव ने ऐसा बोला कि एक और बार अगर मैं पूछ के देख लेता तो। आपको पूछने की क्या जरूरत है अन्ना, आप हुकुम कीजिए। नहीं नहीं, अरे तुम्हारी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना निर्णय बदलने में। निर्णय बदलने में? अन्ना पालक की सब्जी खाने का निर्णय बदल रहे हैं लगता है। हेलो हेलो, काट दी। हेलो, क्या काट दिया? हेलो हेलो। हाँ ना। हाँ, लाइन पे। मुझे लगा नाराज बिराज हो गई कि क्या। मैं क्यों नाराज होंगी, लेकिन अभी निर्णय बदला है आपने तो थोड़ा समय लगेगा। अरे समय की किधर कमी है, जितना समय बीमा लेना है लो। लेकिन क्या है ना, अगर तुम मान जाओगी ना तो मेरा अमूल खुश हो जाएगा बेचारा। अमोल बाबूजी के साथ शादी के लिए मना कर दिया ना चंद्रमुखी ताई ने, तो लगता है उनको खुश करने के लिए अन्ना कुछ स्पेशल बनवा रहे हैं। हेलो, काट दिया। काट दिया, अभी गप मत, तेरी जबान काट दूंगा अभी। काट दिया, काट दिया। हेलो हेलो हेलो। हाँ अन्ना। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि आराम से सोचो, कोई जल्दी बिल्दी नहीं है। तुमने इतना कहा ना कि हुकुम करो, ये सुन के ही मेरा तो मन प्रसन्न हो गया। आपका मन प्रसन्न रखना तो मेरा कर्तव्य है। वाह वाह वाह, ये संस्कार भी तुम्हारे बाबा ने ही। तुम्हारे बाबा ने सिखाया है क्या? वैसे क्या करते क्या थे तुम्हारे बाबा? रिक्शा चलाते हैं। शाबाश शाबाश, हमारी वो भारती है ना, उसके चलाते है बोला क्या तुमने? तुम्हारे बाबा जिंदा है क्या अभी? ये आप क्या कह रहे हैं अन्ना, मेरे बाबा तो जिंदा ही है। अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन तुमने मुझे बताया नहीं कभी। गायत्री के पग फेरे के लिए मेरे बाबा के रिक्शा में तो गए थे अन्ना, आप भूल गए? नहीं, वो तो हमारी भारत भारती भारती भारती, तू क्या आजकल अंदर से फोन करने लगी है मुझे? क्यों फोन किया तूने मुझे? वो पालक की सब्जी में कांदे का छोका डालना है कि कांदा ऊपर से काट के डालना है, ये पूछने के लिए फोन किया था मैंने अन्ना। अच्छा, तेल में डाल तेरी सब्जी, नहीं खानी है सब्जी बिब्जी, मेरा उपवास है, मेरा आम मरण उपवास है, अभी फोन रख, मेरा महत्वपूर्ण फोन आने वाला है, समझ गई तू? मजे से तो गए थे रिक्शा में।
तो फिर गुस्सा क्यों हुए अन्ना? फोड़ रहा मेरा मार। खुशबू हाँ महेंद्र, मैं टिफिन लेकर आ रही हूँ आपके लिए। नहीं हो? नहीं, होटल का खाना बिल्कुल मत खाना, कहीं आपकी आवाज पर असर वसर हो गई तो चंद्रमुखी कैसे बन पाएंगे आप? एक तो कितना मस्त करते हैं आप, वो पूरा अपना आती हूँ महेंद्र, आती हूँ। हाँ मम्मी, आप टिफिन लेकर कहाँ जा रही हैं? होटल। होटल? होटल निकल गया मेरे मुंह से, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल जा रही हूँ, गलती से हो गया है। एक मिनट, हॉस्पिटल टिफिन लेकर? हाँ, अरे अपने वो बीमार है ना, वो अपने क्या नाम अपना, जयंती काका। जयंती काका? नहीं, तू जयंती काका भूल गई। अरे गायत्री, जयंती काका, अरे जिनकी बरसी का गुलाब जामुन खा के तेरे पप्पा बीमार हो गए थे ना, हो भूली गई तू? कमल छे मम्मी, जिनकी बरसी में हम लोग खाना खा कर आए हैं वो बीमार होकर हॉस्पिटल में कैसे हैं? अरे ये तो मुझे सूझा ही नहीं, मींस के हमको उल्लू बना रहे हैं जयंती काका। तो अभी मैं जा रही हूँ ना हॉस्पिटल में, तो उनकी बराबर खबर लेती हूँ कि आप ऐसे मरने के बाद बीमार कैसे पड़ सकते हो हॉस्पिटल में, बराबर? क्या बोल रही हैं आप, जरूर नाम में फिर से कोई गड़बड़ कर रही है। हाँ, हाँ, मैं नाम में गड़बड़ कर रही हूँ, बराबर। वो कांतिका का भी तो हो सकते हैं। हो सकते हैं क्या है, कांतिका का ही है, खाउदरे है ना, एक नंबर के, फूड पॉइजन हो गया होगा। मम्मी, कांतिका का? क्यों, वो भी मर गए? मम्मी, कांतिका का पुणे छोड़कर कब का राजकोट वापस चले गए, कोई और होगा। हाँ कोई और होगा बेटा, मैं तो गड़बड़ है ना सब, तो मैं काम करती हूँ अभी, तेरे पापा ने है ना मुझे, उर्मिला जल्दी आ टिफिन लेके हॉस्पिटल पहुंच ऐसा बोला है ना, तो मैं फटाफट पहुंचती हूँ वहां, देख लेती हूँ कि कौन है एग्जैक्टली बीमार, तो तुझे फोन करके बता देती हूँ, बराबर? अभी मैं चलती हूँ, एक मिनट। बीमार इंसान के लिए इतना बड़ा टिफिन, इतना सारा खाना? हाँ नहीं नहीं नहीं, अरे ये तो तेरे पप्पा के लिए, बीमार के लिए थोड़ी लिखे। क्या है, तेरे पप्पा को पूरी रात हॉस्पिटल में रुकना पड़ेगा ना बेटा, तो मैंने बोला कि बाहर का खाना खाएंगे, उससे अच्छा है मैं घर का खाना लेके जाती हूँ, इसलिए मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ खाना लेकर। अभी ये बराबर? हाँ ये बराबर, ये बराबर फिक्स एकदम। हाँ मैं चलती हूँ, बाय बेटा। अरे पर अरे बापरे, गायत्री क्यों फोन कर रही है, और पापा तो बाथरूम में, क्या करूँ, फोन उठाऊ कि नहीं उठाऊ? नहीं नहीं, मैं उठाऊंगा तो और ज्यादा शक करेगी। हाँ गायत्री। अभिषेक, घर में मम्मी पापा दोनों ही नहीं है, बहुत बोर हो रही हूँ मैं, आओ ना बालकनी में मिलते हैं। गायत्री मुझे ना बहुत नींद आ रही है, मैं कल बात करता हूँ। हाँ गुड नाइट। काट दिया और इतनी जल्दी गुड नाइट, चक्कर क्या है? मार, तू इधर क्यों है? घर जा। हाँ भाई अभिषेक, घर जा, इतनी देर तक तू लोगों को दिखेगा नहीं ना तो शक हो जाएगा। अरे पता नहीं केशव क्यों जान के पीछे पड़ा हुआ है। दरअसल वो मैं इसलिए रुका था कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है, लेकिन मैंने आज तक आपको थैंक यू तक नहीं कहा। अरे ये तो इमोशनल हो गया उर्मिला, लेकिन बात तो बराबर है ना उसकी। हा? क्या काम किया है आपने, हीरो है आप, हीरो। नहीं हीरोइन, हीरोइन, हीरोइन।
नहीं नहीं, हीरो और हीरोइन दोनों दोनों। बोल बोल बेटा, बोल दे, थैंक यू, बोल बोल। हाँ पापा, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। अच्छा, मेरे लिए? देखा और मिला, अपनी गायत्री को सीधा साधा लव लेटर नहीं लिख सकने वाला ये लड़का मुझे थैंक यू बोलने के लिए अपनी भावनाएं लिख कर लाया है। महेंद्र, शांत शांत। ओ दत्तू और शिंदे ऊपर आ जाएंगे ना देखने को के कमरे में मोर किसने ला के रखा है। बेटा तू बोलना जल्दी भाई, बोल। हाँ पढ़ता हूँ मम्मी। पापा, मुगलों के आक्रमण के समय जब पेशवाओं ने, वाह वाह वाह, अन्ना भाई को मुगल और आपको पेशवा बना दिया इसने, वाह इरशाद। नहीं नहीं मम्मी, ये तो उज्ज्वला का होमवर्क है जो आजकल मैं कर रहा हूँ। अरे वाह, महेंद्र की तारीफ बच्चों के होमवर्क में भी आने लगी। अरे डूबी, इसने गड़बड़ कर दी है, ये होमवर्क उठा के यहाँ ले आया है। मतलब पापा के लिए जो मैंने थैंक यू नोट लिखी थी वो मैं अपने कमरे में भूल गया हूँ। हाय हाय, अभी वो बेचारी उज्ज्वला होमवर्क क्या लेके जाएगी स्कूल में? तू होमवर्क लेके क्या बैठी है? अरे मैं क्या लेके बैठी हूँ, ये लेकर बैठा है। आ नहीं सकते, तू समझ क्यों नहीं रही है? अरे इसने जिस नोटबुक में थैंक यू लिखा था ना मेरे लिए, वो नोटबुक घर पे भूल गया है। अगर किसके हाथ लग गई वो नोटबुक तो। नहीं नहीं पापा, मेरे कमरे में गायत्री के सिवा और कोई नहीं आता। अच्छा, और गायत्री तो आपके घर है। बराबर। हालो दुकाड़ मा दिक मास, इतनी टेंशन है और ये नन्ना भाई। अरे फोन उठा, फोन उठा, फोन उठा। हाँ अन्ना साहब बोलिए। हेलो चंद्रमुखी। हाँ बोलिए अन्ना साहब। हाँ मैं है ना ये कह रहा था कि कल चंद्रमुखी मैं ये कह रहा था कि कल तुम आ सकती हो क्या मुझे, हाँ हम सब लोगों को मिलने के लिए? हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाऊंगी, लेकिन बताइए बात क्या है? वो बात ऐसी है ना कि अरे गायत्री तू यहाँ कैसे? वो मम्मी पापा हॉस्पिटल गए रिश्तेदार को देखने के लिए। मैं बहुत बोर हो रही थी घर में तो सोचा आप लोगों से मिलने आ जाती हूँ। अच्छा हमसे मिलने कि अभिषेक से मिलने? वैसे आज दिन भर वो कमरे से बाहर निकला ही नहीं है। हाँ मुझे भी बोल रहा था अब नींद आ रही है, इतनी जल्दी गुड नाइट बोल दिया। अरे तबियत भी बहुत खराब हो गई कि क्या? मैं देखती हूँ उसके कमरे में जाके। चल गायत्री। तो आ चंद्रमुखी। हाँ अन्ना साहब मैं आ जाऊंगी, फोन रखती हूँ। अरे लेकिन मेरी बात तो सुनो, थोड़ा तो सुन लो ना चंद्रमुखी। ठीक है अभी कल आ रही है, मैं एक बार फिर से प्रयत्न करता हूँ, शायद मान जाए। शायद क्या, 100% मान जाएगी है कि नहीं बोलो? हाँ जोचना और गायत्री तेरे कमरे में जा रहे हैं, अगर नोटबुक उनके हाथ लग गई तो खेल खत्म हो जाएगा। मैं अभी भागता हूँ, एक काम करता हूँ इस बालकनी से कूद जाता हूँ और भागता हूँ। संभल के कूदना भाई। अभिषेक, अरे क्या है ये सब, कहीं गया है क्या? मुझे तो कुछ बता के नहीं गया। एक मिनट। हाँ फोन कर। हेलो अभिषेक, कहाँ हो तुम? हाँ मैं यहाँ तुम्हारे रूम में ही हूँ। अच्छा, आई के साथ हूँ, जल्दी आओ। है कहाँ ये लड़का? पता नहीं, कह रहा था कि ऐसे ही टहलने चला गया था। अरे कमाल है, तूने मिलने बुलाया तो नींद का बहाना करके सो गया और अब अकेले ही टहलने चला गया। आए ना तो ऐसी डांट लगाना कि फिर कभी ऐसा करने की हिम्मत ना करे। कमरा तो देखो कैसा बिखरा पड़ा है, एक दिन अकेले रहने के लायक नहीं है ये लड़का। अच्छा है तेरा मायका पड़ोस में ही है। ¶¶